मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, वैश्विक हिंदू राष्ट्र पार्टी की सरकार बनते ही हर कुंभ मेले में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में महाबंपर पुरस्कार आयोजना की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार आयोजन सबसे अलग हटकर और सिर्फ एक विशेष वर्ग विशुद्ध भारतीय नागरिकों के लिए, एडवांस्ड हिंदुओं के लिए ही होगा। यह विश्व के सभी योगाभ्यासियों और हिंदू धर्मानुयायियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले 1000 वर्षों से देश की गुलामी के फलस्वरूप अब तक यानी 2023 में भी अपने ही देश में हिंदू सबसे उपेक्षित रही आई है। वह 9वें दर्जे का नागरिक बनाया जा चुका है। बेचारों की पहचान धोती, शिखा, कुर्ता, सूत्र, वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट कर दी गई है। इतने जमीनहीन हो चुके हैं कि मार्ग भटक जाने की, ब्रेन वॉश हो जाने का एहसास भी नहीं होता। 1947 की तथाकथित स्वतंत्रता के बाद यानी या सत्ता हस्तांतरण के बाद खान मुस्लिम नेहरू द्वारा गांधी को ब्लैकमेल कर कश्मीरी हिंदू पंडित जैसा नाम धरकर और बहुमत से जीते वल्लभ भाई पटेल से प्रधानमंत्री पद की सत्ता हथियाकर भारत देश के साथ भयंकर विश्वासघात किया गया। उसके बाद आज तक मोदी द्वारा भी वही हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, रीति रिवाज पर अगणित चाकू भोंपे गए हैं और भोंपे जा रहे हैं। हिंदुत्व को अवनति का राह दिखाया गया है। नेहरू का बास्टर्ड वंश अब ईसाई होकर अब भी वही कर रहा है, पर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। जो भी हिंदू धर्मावलंबी नर नारी, युवा, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित, यदि वह 6 घंटे से समय शून्य, श्वास शून्य, देहभान शून्य, विशुद्ध साक्षी भाव में स्थित होकर दिखा देगा, उसे सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना का लक्की महाबंपर पुरस्कार तो केवल परमात्मा ही दे सकता है। शाश्वत शांति के रूप में, शाश्वत आनंद के रूप में। लेकिन निराशा की कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं, क्योंकि सांत्वना पुरस्कार तो सम्मिलित हुए समस्त सफल प्रतियोगियों को दिया ही जाएगा। और वह है 50 लाख रुपए का पुरस्कार, और उन्हें इनकम टैक्स फ्री किया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा और उनके बाल बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आज तक केंद्र की कांग्रेसी सरकार चुन चुन कर ईसाई आतंकियों को, मुस्लिम आतंकियों को ही पुरस्कृत करती आई है। जैसे उड़ीसा का बड़ा कन्वर्टर फादर, तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अब हम हिंदुओं को पुरस्कृत कर उन्हें सबल और सक्षम बनाएंगे। कृपया नियम और शर्तें अवश्य ध्यान रखें। इस योजना में केवल वे ही विशुद्ध हिंदू भाग ले सकेंगे जिन्होंने सिद्धासन के साथ तीनों बंध लगाकर प्राणायाम सिद्ध कर रखा हो और 4 घंटे से अधिक काल तक अखंड, अजस्र, निर्कल्प, चैतन्य समाधि लगा सकता हो। यहाँ पर 600 रुपए वाली टेबलेट खाकर समाधि लगाने वाले को पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, उल्टे उन्हें अपमानित ही किया जाएगा। इस योजना को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है ताकि सभी विशुद्ध हिंदू इस योजना का भरपूर लाभ ले सकें। एक है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा है लिक्विड तरल और तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट। सॉलिड के अंतर्गत वे हिंदू आते हैं जो कभी भी काला अंग्रेज नहीं बने, यानी कभी वेस्टर्न सूट और टाई या ब्लू जीन्स विद सिल्क स्क्रीन टी शर्ट और स्कर्ट
और अन्य गुंडों के लिबास पाजामा जैसे आप भारतीय पोशाक नहीं पहने और न ही ऐसे स्पाइनलेस मूर्ख बच्चे पैदा किए और न रिश्ते पैदा किए और न मित्र पैदा किए जो इनके प्रति आकर्षित हों। अपात्रों के हाथ का जिन्होंने कभी न खाया पिया, जिन्हें वर्णाश्रम के संस्कारों मर्यादाओं का भली भांति ज्ञान है और जिन्हें कोई संशयात्मा हिंदू द्रोही कम्युनिस्ट और हिंदू द्रोही आस्था से विचलित नहीं कर सकता, कोई भी हिंदू द्रोही उन्हें अपनी हिंदू आस्था से विचलित नहीं कर सकता, और जो औरों को भी हिंदुत्व के सन्मार्ग पथ प्रशस्त कर सकते हैं और जिन्हें अहिंसा गांधी जैसी कायरतापूर्ण दबंगई से भयभीत वाली अहिंसा नहीं बल्कि सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय तप स्वाध्याय ध्यान और सहज स्वाभाविक है, वे इस पुरस्कार प्रतियोगिता में सम्मिलित होने को सादर से प्रेम आमंत्रित है। तो लिक्विड के अंतर्गत वे हिंदू आते हैं जो अपनी दैनिक संध्या पूजा प्रार्थना पाठ ध्यान या मंदिर में भगवत दर्शन के दौरान भक्ति के आनंद में इतना लीन हो जाते हैं कि भक्ति के दसों लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं। और लिक्विड नंबर दो के अंतर्गत वे हिंदू आमंत्रित हैं जिन्होंने अयोध्या या वृंदावन के चारों संप्रदायों के भक्ति साहित्य का भली भांति अध्ययन किया है और जिनके हृदय पटल पर भगवान लीलाएं टीवी स्क्रीन के दृश्यों की भांति प्रत्यक्ष दिखाई देती है नेत्र बंद करते ही। तो लिक्विड नंबर थ्री के अंतर्गत वे महानुभाव आमंत्रित हैं जो संस्कृत भाषा के धुरंधर विद्वान हैं जिन्हें वेदों के उन वैज्ञानिक खंडों का भी संपूर्ण ज्ञान है जिन्हें अपने समय में मुस्लिमों ने जला डाला और अपने समय में अंग्रेजों ने चुरा कर अपने देश ले गए या जिनके पास उन्हें पुनः प्राप्त करने का या नवीन उत्पन्न कर देने का सामर्थ्य है। सो लिक्विड नंबर चार के अंतर्गत वे महाभाग आमंत्रित हैं जिन्हें सदैव भगवत स्मरण से अश्रु प्रवाह रोमांचपूर्वक मृत्योन्मुख मुद्रा हो उठती है। और अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत वे योग साधक आमंत्रित हैं जिन्होंने पतंजलि एवं गोरखनाथ नौ नाथों के योग सूत्र संहिताओं का गहन अध्ययन चिंतन कर सिद्धासन में बैठकर मूल बंधन और ज्ञान बंधन और जालंधर बंध सिद्ध कर प्राणायाम द्वारा तत्काल आत्मस्थ हो समाधि में प्रवेश कर लेने का सामर्थ्य रखते हैं 7 घंटों तक। इन तीनों से ऊपर महावंशर पुरस्कार वे योगी प्राप्त कर सकते हैं जो 10,000 वर्षों तक की उम्र के आकाशचारी सिद्धों से संभाषण और मैत्री की योग्यता रखते हैं। धारणा ध्यान समाधि का विनियोग विभिन्न भूमियों पर कर 18 सिद्धियों और 64 कलाओं की उपलब्धि कर ली हो तथा उनका सदुपयोग भारत देश की सेवा में करने को समुत्सुक हो। तो इस योजना में भाग लेने के लिए एक विशेष फॉर्म भरकर भेजना होगा जो इंटरनेट पर हमारे वेबसाइट से कहीं से भी उपलब्ध हो सकता है। जो दिगंबर हैं जो भगवत प्रेम में सदैव लीला चिंतन में डूबे रहते हैं या निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो चुकी है जिन्हें सर्वत्र अपनी आत्मा का अनुभव होता है वे महापुरुष कृपया हमें एकांत में मिलें और अपनी दक्षिणा प्राप्त करें और राष्ट्रोत्थान में हमारा सहयोग करें। इसके अतिरिक्त तंत्र में जो रसेश्वर विद्या पारद विद्या कुंडलिनी जागृति भैरवी चक्र कौल विद्या परलोक विज्ञान आदि विद्याओं में माहिर है उनके लिए हमारी संस्था और हमारी सरकार अलग से पुरस्कारों की घोषणा करेगी। वे कृपया अपने नाम पता ईमेल या पत्र से सूचित करने की मनती कृपा करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि आगामी महाबंपर पुरस्कार योजनाओं में लाभ उठाने के लिए आज ही अभी से ही इन दत्त के सदाचारों संस्कारों और श्रेष्ठताओं में दृढ़ता लावें, ज्योतिष द्वारा समय शोधन कर ही गर्भाधान करें तथा 16 संस्कार करवाएं ताकि कुत्ते बिल्ली जैसे स्वभाव के हुड़दंगी जीवात्मा आपकी पत्नी के गर्भ में न प्रवेश कर पाएं जो बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम में न उठा पाएगी। भाव यह कि आप आयोजित श्रेष्ठताओं में दृढ़ता लावें और गर्व से कहें आप हिंदू हैं। हाँ, वही हिंदू जिनके पूर्वज 1,95,00,000 वर्षों से भारत वर्ष से सारे विश्व में एक ऐसी जीवन पद्धति का प्रसार करता आया है जिसके अनुगमन से सुंदर स्वास्थ्य शांति समृद्धि विवेक सुख स्वयमेव उपलब्ध होता है। पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं अभी तो अंतर ब्रह्मांडीय स्तर पर भी सामंजस्य सहयोग सद्भावना बरकरार ही नहीं जाथा भी उत्तरोत्तर होता रहता है।
हजार वर्षों से दो साम्राज्य खोर कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट एजेंडाओं ने धर्म का रिलीजन का मुखौटा लगाकर धर्म को मानव मूल्यों को प्रदूषित कर दिया है। उनके इतिहास रक्तरंजित हैं। गौ मांस बकरा मांस सुअर मांस उनके आहार हैं। मदिरा नशा कॉफी चाय उनके पेय हैं। इनके कुसंग से हिंदू का पतन हुआ है। वह काउच पुटेटे हो गया है। अब ऐसा न होगा, हिंदू जागेगा। इस जागृति के लिए एक नया पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट शुरू किया जा रहा है। इसमें वही हिंदू शामिल हो सकेंगे जो पिछले 7 पीढ़ियों से सदाचारी वेदज्ञ पुराणज्ञ ब्रह्मज्ञानी भगवत भक्त योगी या तांत्रिक जीवन व्यतीत कर रहे हों। जीन्स की जीवाणु कोश की वंश परंपरा से विशुद्धता हो, आशीर्वाद या शाप फलित होता हो तत्काल। आकृति हाव भाव वार्ता का विषय वाणी माधुरी से व्यक्तित्व की श्रेष्ठता प्रतिभाषित होती हो। मोटा पेट मोटी बोली वाला न हो, कदापि न हो। पुरस्कार स्थल पर धोती कुर्ता साड़ी या संत वेश युक्त वेशभूषा में ही प्रवेश किया जा सकेगा। कोई भी मुस्लिम कोई भी ईसाई या कम्युनिस्ट सेकुलरिस्ट और क्रिकेट किसी या दुष्ट किसी आकृति वाला या अनावश्यक रूप से अंग्रेजी भोंकने वाला हिंदू के भी प्रवेश पर अलार्म बज उठेगा और उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। पिछले दिनों इंग्लैंड में अंग्रेजों के व्यापक वंश प्रदूषण पर चिंतित एक धन कुबेर ने विवाह पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहने वाली अंग्रेज बाला को निःशुल्क शिक्षा सहित भारी पुरस्कार सम्मान की घोषणा की थी। बहुत दिनों बाद ऐसी एक ही युवती मिली जो हाइमन परीक्षण से यौन प्रदूषण मुक्त पाई गई, किंतु वजह थी वह अंग्रेज बाला लंगड़ी और कुरूप थी। हम हिंदू वंश की विशुद्धता बरकरार रखने के लिए उन युवक युवतियों को पुरस्कृत करेंगे जो 24 वर्ष की उम्र पर्यंत यौन क्रिया चिंतन आकर्षण से मुक्त तो हो ही सदैव व्यस्तता और योग साधन द्वारा काम वासना और आक्रमण को काम वासना के आक्रमण को सदैव विफल करने का सामर्थ्य रखते हैं। जो युवती किसी भी युवक पर कुदृष्टि न की हो, जो युवक युवती पर कुदृष्टि न की हो, स्वप्न दोष भी न हुआ हो, हम उन्हें 25 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत करेंगे। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, यह पुरस्कार योजना हम उन यदि आपको त्रिपुटि लौकती है, आपकी त्रिपुटि लौकती है और अगम गुहराता है तो आपको 10,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार मिला हुआ ही समझे। हम उन गृहस्थों को पुरस्कृत करते हैं जिनके घरों में स्वच्छ सुंदर तीर्थ गाय हो, आवास गोमय लिप्त हो, पुष्प तुलसी आंवला बट पीपल नीम बिल्व आदि वृक्ष हो, सुगंधित पूजा गृह हो, प्रसन्न सुशिक्षित पतिव्रता पत्नी हो तथा शांत सौम्य धोती कुर्ता साड़ी पहनने वाले अधिक से अधिक पुत्र पुत्रियां हो, गृह स्वामी भगवत भक्त हो। हम उन गोप बालकों को उन गोपालकों को प्रोत्साहन पुरस्कार देंगे जो 25 से अधिक भारतीय नस्ल के जिनके पीठ में ककुत चेहरे के नीचे गल कंबल हो, शांत नेत्रों से युक्त हो, ऐसी गौओं का उत्साहपूर्वक पालन करते हों, जो रामायण भागवत का आद्योपांत श्रवण कर चुके हों, उन्हें 50 लाख का सांत्वना पुरस्कार प्रदान करेंगे। हम उन रामायण भागवत उपनिषद पुराण कथावाचकों को 1 लाख का सांत्वना पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करेंगे जो संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हों। श्री स्वामी करपात्री जी, पूरी के शंकराचार्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज और डोंगरे जी और पीएन ओक हिस्टोरियन पीएन ओक जी को सुना हो पढ़ा हो और भागवत अष्टटीका भक्तमाल शंकर रामानुज निम्बार्क राधा वल्लभ और श्री हरिदास और गौड़ीय संप्रदाय के रस साहित्यों का गंभीर अध्ययन किया हो और कथा कहते हुए भगवत लीलाएं चलचित्रवत प्रस्तुत कर सकते हो। जो बराबीजम नटवरों पर 5 घंटे प्रवचन कर सकता हो उन्हें 25 लाख का सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
हम उन सौभाग्यवान पुत्र पौत्रों को पुरस्कृत करते हैं जो अपने सच्चरित्र ज्ञान संपन्न माता पिता की सेवा से प्रखर अध्यात्म ज्ञान विकसित कर चुके हैं। हम उन विवेकी शूद्रों हरिजनों अस्पृश्यों को पुरस्कृत करते हैं जो राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित गांधीवादियों कम्युनिस्टों और सेकुलरिस्टों के बहकावे में न आकर हिंदू धर्म की मर्यादाओं का कभी अतिक्रमण नहीं किया और निष्काम भाव से अपने वर्ण धर्म का पालन किए जा रहे हैं और अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट है। हम उन अंतर्दृष्टिवान दूरदर्शियों को पुरस्कृत करते हैं जो सत्यमेव जयते जैसे हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर मदरसा मस्जिद के लिए धन उगाहने वाले मुस्लिम धोखेबाजी संप्रेरित सीरियलों को एक ही दृष्टि में पहचान कर जनता को आगाह कर उन्हें धोखे खाने से बचाते हैं। हम उन प्रज्ञावान महानुभावों को पुरस्कृत करते हैं जो आध्यात्मिक प्रश्नों का बिना लाग लपेट के संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं जिन्हें ज्योतिष आयुर्वेद समाज विद्या और ब्रह्म ज्ञान में महारत हासिल है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हम उन्हें 10 लाख के पुरस्कार से 10 लाख रुपयों के पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं जो इन विषयों या इन श्लोकों पर धारा प्रवाह 3 घंटे तक प्रवचन कर सके। सत्यम परम धीमहि बरहापीडम नटवर वपु और यावदा लक्षते केतुर यावद रेणुमृतस्य च और सत् सरित्शैलवनोद्देशा गावो वेणुरवाई में और गोविंद वेणुमनमत्तमय वन नृत्यम और अभिभद्रचिरम रूपम यथारिणी सेवया और धूसर धूल भरे तन आए और खंजन मंज तिरी से नयनन और भी अनेक विषय हैं जिन पर 3 से 5 घंटे तक प्रवचन करने वाले को 40 से 50 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हमारे पार्टी वैश्विक हिंदू पार्टी की सरकार की ओर से सारे भारत में यह घोषणा प्रसारित की जा रही है। इसलिए मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, आप निश्चित करें आत्मविश्वास से